आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। ठाकुर द्वारा के स्थानीय लोगों में नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई लापरवाही भरी कार्यवाही को लेकर रोष है। इसी के चलते सैकड़ों लोगों ने पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा का घेराव किया। उन्होंने पुलिस पर कथित नशा तस्करों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि उन्होंने स्वयं एक युवक को ग्राहक बनाकर भेजा, जिसने नशा तस्करों से चिट्टा खरीदा, बजाय इसके कि पुलिस नशा तस्करों के घर की तलाशी लेकर उन पर मामला दर्ज करती। ऐसा न करके पुलिस ने सूचना देने वाले युवक के विरुद्ध ही कार्रवाई की, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कल देर रात गगवाल गांव में सुधीर पुत्र करनैल सिंह को 80 लीटर लाहन और चलती शराब की भट्टी सहित पकड़ा, मगर पुलिस ने तस्करों के साथ मिली भगत कर सिर्फ शराब का मामला ही दर्ज किया, जबकि चलती शराब की भट्टी का भी मामला दर्ज होना चाहिए था। नशा निवारण समिति के अध्यक्ष सतपाल ठाकुर व प्रधान विनोद शर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस को उलहड़िया पंचायत में एक नशा तस्कर के घर नशीला पदार्थ होने की सूचना दी। इस पर पुलिस उसके घर से बिना कोई कार्यवाही किए लौट आई। नशा तस्कर के घर जगह कम होने की वजह से एक पुलिसकर्मी शराब से भरे केन पर बैठा रहा, मगर कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में पुलिस की कार्यवाही पर लोगों को संदेह होने लगा है और पुलिस के इस लापरवाही के रवैये से युवाओं के मनोबल को ठेस पहुंची है। लोगों का रोष है जी, वो पुलिस प्रशासन है जो लोगों की मदद नहीं कर रहा है और जो शराब बेच रहे हैं, जो गलत धंधा करते हैं उनकी मदद कर रहे हैं। कल चलती पट्टी पकड़ी थी, उसका केस नहीं बनाया और ऐसे रफा दफा कर दिया, और आज एक चिट्टे वाला लड़का पकड़ा, जब लड़का बोल रहा है भी हमने फलाने से चिट्टा लिया है और उसके पास और भी सामान है, उसको नहीं पकड़ा, बेचने वाले को लेने वाले को पकड़ लिया, जबकि वो हमने भेजा था, खुद भेजा था। ये भी रोष है। आज एक स्पेशल सेल वाले आए थे हमारे मीनवा में, हमने उनको किसी के घर भेजा भी, उसके घर में सामान है, उसकी तलाशी नहीं, वैसे बैठ के चाय पानी पी के सेवा करवा के चले गए। अच्छा, कुर्सियाँ कम थी, एक लंड का कैन पड़ा है उस पर बैठ के गए, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कार्रवाई पुलिस को सौंपे ज्ञापन में लोगों ने पुलिस व प्रेस को 26 परिवारों के नशा तस्करी में होने के नाम सार्वजनिक किए हैं। नशा निवारण समिति के सदस्यों ने बताया कि नशा तस्कर मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और अवैध रूप से हिमाचल में रह रहे हैं। हमने एसपी से प्रार्थना की है कि जो हमारे गांव में चिट्टा की बिक्री है, इसके मुक्ति होनी चाहिए, और हमारी प्रशासन आगे से बेनती है कि हमारे गांव ने आज इकट्ठे होकर एक आदमी को पकड़ा है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि किसी से ग्राम मिल रहा है, किसी से 2 ग्राम मिल रहा है, काम तो धंधा तो उनका चल रहा है, भाई ये धंधा कैसे बंद होगा। इसके लिए प्रशासन के आगे हमारी बेनती है कि जो हमारी अपील है आगे तक पहुँचाई जाए, जो हमारी आवाज़ है, जो एसपी को पता लगे, डीसी को पता लगे हमारे गाँव में चिट्टा बुकी अभी भी चल रहा है काम और बड़े जोर से चल रहा है। इनके विरुद्ध लोगों ने कड़ी कार्यवाही करने व इनकी संपत्तियों की जाँच करने की भी मांग की है। घेराव की सूचना मिलते ही एसपी ने एसएचओ इंदौरा को मौके पर बने रहने के लिए भेज दिया है, साथ ही नशा निवारण समिति के लोगों को आश्वासन भी दिया है कि यदि किसी पुलिस कर्मी की नशा तस्करों से मिली भगत पाई गई तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ठाकुर द्वारा में अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात के साथ एसपी ने कहा
कि जो नशा निवारण समितियां इस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगी उन्हें प्रशस्ति पत्र व इनाम भी दिया जाएगा। इंदौरा कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।